सबसे पहले तो आतंकवादी है कौन ये समझना पड़ेगा, कौन हिंदू बनकर इस देश में घुस रहा है। लेकिन मेरा तो सब कुछ लूट लिया तो मुझे आप पर क्या करना चाहिए ये बता दे वो, क्यों हम जानवर है क्या? प्रवेश शुक्ला ने जिसपे पेशाब किया क्या उसकी कोई भावना नहीं थी? मुझे से मैं अपील करूंगी कि आप महिला शक्ति हैं, आप अपने साथ भी हुए अन्याय का अगर आवाज नहीं उठा सकती तो आप हमारा नेतृत्व क्या करेंगी? रामनाथ कोविंद जी थे, कुछ नहीं बोले। एससी के अधिकारों का हनन होता रहा, कुछ नहीं बोले। एक आदमी के पैर भी धोने पड़ जाए तो ये पैर भी धो ले। बीजेपी को ये जो इतनी तेज स्पीड से इनके काम चल रहे हैं बहुत घबराहट है। सिक्योरिटी भी अगर दे भी देंगे ना ये, तो सिक्योरिटी में भी अपने ही लोग देंगे वो, जो जो है उनको बता देंगे कि भाई ये अब यहाँ जा रहा है, अब वहाँ जा रहा है, अब वो जा रहा है। मुझे तो लग रहा है इनकी सिक्योरिटी और जो है ना, क्यों लगता है आपको कि अपने ही लोग देंगे? और एक्सएमपी राजकुमार सैनी जी के साथ जब हमने काम करना शुरू किया तो हमने इस चीज को अनुभव किया कि उनकी चारों तरफ कौन से लोग जुड़े हुए हैं, तो मनुवादी लोग उनके चारों तरफ जुड़े हुए और उनके जाने की खबर जो है इधर से उधर तुरंत मिल जाती थी। और जब उन पर हमला होता था तो जो पीएसओ होते थे वो इन्हीं मनुवादियों के होते थे, वो कोने कोने हो जाते थे। मैम अभी तक मतलब हमला हुआ, अभी तक जो आरोपी वो पकड़ा क्यों? अब भाई उस पे शय है ना, कराया षड्यंत्र है ये तो। जब सोच समझ के कराया गया है हमला, जब मैंने विरोधी को कह दिया, अभी राजकुमार सैनी पर क्या कह रहे थे पवन पहलवान, क्या कहने लगा, कहता भाई कोई आए राजकुमार सैनी का मुंह का लिख करके चला जाए और मैं उसको पैसा भी दूंगा और उस पर कोई केस भी नहीं लगेगा और उसका पुलिस FIR भी नहीं होगी। तो यानी फुल सिक्योर, तुम्हें जो है सिक्योरिटी के साथ आज़ादी दे दी, जाओ उस नेता को मार के आओ, जाओ उसका मुंह काला करके आओ। क्या है ये, सीधे सीधे दिख रहा है ये? क्या लगता है जो सरकार बीजेपी सरकार अलग अलग पार्टियों पे दबाव बना रही है, तो 2024 में बीजेपी सरकार अपना दोबारा से चेहरा बना पाएगी? देखिए बीजेपी को ये जो इतनी तेज स्पीड से इनके काम चल रहे हैं बहुत घबराहट है, बहुत घबराहट है। नहीं तो पहलवानों ने इतने महीने यहाँ पे बैठी रही, कुछ घिसा ब्रिजभूषण जी का, कुछ घिसा, कुछ नहीं घिसा। लेकिन वो तो साफ साफ कहते हैं ना कि मैं आरोपी नहीं हूँ, तो यानी वो 1000 महिलाएं गलत हैं। जो महिलाएं आज शूद्रों से दलितों से भी नीचे श्रेणी में आती हैं, वो 1000 महिलाएं चरित्रहीन है क्या? अगर वो सही है तो हम महिलाएं चरित्रहीन है क्या? उनका केस वापस ले लिया गया मैम, केस वापस ले लिया गया ब्रिजभूषण से। हाँ जैसे मध्य प्रदेश के पेशाब आरोपी का केस जो है वो कहता है जी कुछ नहीं हुआ और आप जो है छोड़ दीजिए, तो मैं तो कह रही हूँ कि एक तो हमारा शोषण होता है और फिर मैं आवाज ना उठाऊं उस आवाज को, अगर उठ गई है तो उसको दबाऊं, उसके लिए भी मुझे टॉर्चर किया जाता है, मेरे परिवार को टॉर्चर किया जाता है। और जो दिखा रहे हैं जी देखो प्रवेश शुक्ला का घर तोड़ दिया, क्या क्या तोड़ा दिखाओ ना, भेजो ना हमारे आदमियों को क्या क्या तोड़ा क्या क्या नहीं तोड़ा। और फंडिंग क्यों हो रही है, क्या वीडियो वायरल हो रहा है कि घर तोड़ दिया भाई? वीडियो वायरल हो गया, जनता संतुष्ट हो गई, अब केस ढीला हो जाएगा। प्रवेश शुक्ला को जैसे जो है ना आपको देखा होगा, मनीष सिसोदिया केजरी वो सत्येंद्र जैन मेवे खा रहा है, बिस्लरी के पानी पी रहा है, तो अंदर तो इनकी सेवा होती है, ये तो हम जैसे ही होते हैं। अगर महिला होगी तो बलात्कार होगा और पुरुष होगा तो गुलामों की तरह व्यवहार होगा। मैम वहाँ के CM ने उनके पैर धोए, उनके साथ खाना खाया और माफी भी मांगी, तो यानी प्रवेश शुक्ला जो है गुनहगार है और मुख्यमंत्री को चिपकाना पड़ा उस मामले को। नहीं 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 नहीं, मैं ये कह रही, मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि अभी प्रधान राष्ट्रपति हमें ST है और ST के अधिकार इन्होंने खाने, तो इसीलिए जनता का मुंह चुप कराने के लिए एक आदमी के पैर भी धोने पड़ जाए तो ये पैर भी धो लेते हैं। मैम ये तो उन्होंने उनका सम्मान किया ना, इसको आप गलत नजरिए से क्यों देख रहे हैं? तो सम्मान किया है तो एक काम करना था, किसी
शुक्ला को बिठा देते उसी के परिवार के, और उसके ऊपर उसके पहले तो बाथरूम करवा देते, तो हमें सुकून होता कि हम भी स्वर्ण जातियों पर जो है खड़े होके पेशाब कर सकते, ठीक है, तो ये काम करवाते वो, तब हमें संतुष्टि होती और संविधान के तहत जो उसकी सजा थी वो उसे सजा मिलती, तो ये होना चाहिए था। फिर चंद्रशेखर पर हमला हुआ, योगी जी ने लगातार ये वादे किए, दावे किए कि आतंकवादियों का सफाया कर दिया है, तो फिर हमला कैसे हुआ? सबसे पहले तो आतंकवादी है कौन ये समझना पड़ेगा, इस देश में आतंकवादी है कौन ये समझना पड़ेगा। जो अखंड भारत था मौर्य साम्राज्यों के बाद पुष्यमित्र संघ का शासन आया, देश आजाद है, अभी तक मनुवादियों का शासन है, फिर भी अखंड खंड कैसे हो गया? कौन हिंदू बनकर इस देश में घुस रहा है जो जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं? तो आतंकवादी कौन है सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आम जनता को समझनी पड़ेगी। अभी डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट का लिंक मिला है कि वो जो है सिक्योरिटी को लीक कर रहा था, तो इस देश को सबसे पहले समझना पड़ेगा आतंकवादी हमारा असली है कौन। आरोपी जो पकड़े गए, हमलावर जो पकड़े गए, उन्होंने कहा कि वो चंद्रशेखर के भाषण से, शब्दों से आहत थे, तो इसलिए उन्होंने गोलियों से आघात कर दिया। आप शब्दों से आहत है तो गोलियों गोली चला लोगे, मेरे हक अधिकार लूटे हुए, मेरी इज्जत लूटी हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए बता दे फिर वो। आप सिर्फ शब्दों से आहत है लेकिन मेरा तो सब कुछ लूट लिया, तो मुझे आप पर क्या करना चाहिए ये बता दे वो, कि हमें क्या करना चाहिए, वो मेरे हक भी ले ले और मैं बोलूं भी ना, यानी तुम कुछ भी करे जाओ तुम्हारे खिलाफ बोले कुछ भी ना, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोलेंगे तो तुम्हारी भावनाएं आज, और ये 90% लोग हैं इसकी भावनाएं तो कुछ रखती नहीं, मायने ही नहीं रखती, क्यों हम जानवर है क्या? तो हम जानवर समझ रखा इन्होंने कि हमारी कोई भावना नहीं है। प्रवेश शुक्ला ने जिस पे पेशाब किया क्या उसकी कोई भावना नहीं थी क्या? जिसको मल जो है चटाया गया उसकी क्या भावना आत नहीं होती क्या? जब दूल्हे को जो है घोड़ी पे चढ़ने नहीं देते तो उसकी भावना आत नहीं होती क्या? जब महिलाओं का बलात्कार होता तो उसकी भावना आत नहीं होती क्या? जब एसिड अटैक होते उसकी भावना आत नहीं होती क्या? जब राष्ट्रपति मुर्मू को जो है गर्भगृह में नहीं जाने देता तो उसकी भावना आत नहीं होती क्या? जब राष्ट्रपति का शुद्धिकरण होता उसकी भावना आत नहीं होती क्या? इनके एक आदमी की उससे भावना से आवत हो गई, राष्ट्रपति को कुछ भी हो जाए तो भावना आत नहीं होती हमारी। महिला शक्ति का 50% महिला का अपमान है अगर वो शुद्धिकरण करते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी का, तो हमारी भावनाएं आत नहीं होती क्या? हम क्या करें उनको? तो राष्ट्रपति खुद क्यों नहीं बोलती? आप जिनके लिए वो खुद राष्ट्रपति हैं, आप उनके लिए आवाज उठा रही हैं, वो क्यों नहीं बोलती? देखिए वो इसलिए नहीं बोलती, अगर वो आवाज उठाएंगी तो या तो उन्हें राष्ट्रपति पद से निकाल दिया जाएगा या जो है उन पे भी केस लगा देंगे कुछ ना कुछ, तो ये तैयार रखते हैं, या तो शराब में फंसाएंगे या याशी में फंसाएंगे या पैसे में फंसाएंगे या जो है किसी और तरीके से फंसाएंगे, और नहीं तो किसी हमारे तो कबूतर पकड़ लेते हैं ये लोग। रामनाथ कोविंद जी थे कुछ नहीं बोले, एससी के अधिकारों का हनन होता रहा कुछ नहीं बोले, लेकिन मुर्मू जी से मैं अपील करूँगी कि आप महिला शक्ति हैं, आप अपने साथ भी हुए अन्याय का अगर आवाज़ नहीं उठा सकती तो आप हमारा नेतृत्व क्या करेंगी, ये हमें डाउट आप पर होता है।